देखिए, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के नाम का अगर मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि चलने के कुछ नियम हैं। मतलब कोई बॉडी का चल रही है तो वो कुछ नियमों को फॉलो कर रही है। बोले नहीं, हम तो बिना नियम फॉलो किए चलते हैं, चलते ही रहते हैं। जी नहीं, आप बिना बताए ही वो उस नियम को फॉलो करते ही करते हैं, बिना उसको फॉलो किए आप नहीं चल सकते। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के चलने के कुछ नियम हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली चीज बताना पड़ेगा कि भाई फोर्स क्या होता है। नहीं, एम ए होता है थोड़ी, फोर्स क्या चीज है, फार्मूले की बात नहीं हो रही है, फोर्स क्या चीज है बात ना करिए, फोर्स क्या चीज है। तो कह रहे हैं फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है, किसी चीज को पुश करना या पुल करना, जो किसी बॉडी की पोजीशन को वो चेंज करे या चेंज करने का प्रयास करे। प्रयास करें मतलब दीवार को हम पुश करके क्या करेंगे, 2 किलोमीटर खिसका देंगे, नहीं खिसका पाएंगे ना। लेकिन अगर हम इसमें पुश कर रहे हैं तो कुछ अप्लाई कर रहे हैं ना, जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, फोर्स। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आया है फोर्स क्या चीज़ होती है। तो डेफिनेशन लिखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स की डेफिनेशन लिखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस, विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज। देखो दो वर्ड यूज किए गए, हमने एक वर्ड यूज किया विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज। इसका दोनों का मतलब क्या होता है कि आप किसी बॉडी की पोजिशन चेंज कर सकते हैं या चेंज करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो ही जाए। टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट। ध्यान से सुनिए ना क्या बोला जा रहा है, पुश, फोर्स इज अ पुश आर पुल विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन, और द यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। अब चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। भाई जैसे कोई हाथी बैठा हुआ, आप जाके हट हट, इस वो रेस्ट में बैठा है ना, तो आप धक्का मार के उसको मूव करा लोगे, करा लोगे। हाँ, छोटा हाथी होगा, मतलब कितना छोटा हाथी होगा, उसको मुश्किल है ना। तो यानी कि हम या तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये पॉइंट्स हैं जिन पर आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, यानी कोई फोर्स है, किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा करके उस बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। नंबर वन लिखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जो आपकी डेफिनेशन लिखाई है ना, उसी में तीनों पॉइंट छुपे हुए हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट है इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई जैसे कहते नहीं कि थप्पड़ मारेंगे तो मुंह घूम जाएगा, ठीक है, दांत टूट जाएंगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में क्या चेंज कर रहे हैं, उसका शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती क्या उसमें, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ पोलर वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ पोलर वेक्टर।
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसा वेक्टर है ये? ये पोलर वेक्टर है। अब आप चूंकि आपने वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, पढ़ा है वेक्टर कंप्लीट है आपका, शब्द से तो वाकिफ है ना कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो पोलर वेक्टर क्या होता है बताइए, पोलर वेक्टर क्या बताया गया था? बताया है ना पोलर वेक्टर, अभी लोग पढ़ चुके हैं ना, इनको मालूम होना चाहिए पोलर वेक्टर क्या होता है। देखिए, अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जिसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, यानी यहाँ पर से आप ऐसे फोर्स लगाएं, तो इसको क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। तो देखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ पोलर वेक्टर, ये एक पोलर वेक्टर है। भाई आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा ना फोर्स का। ऐसे आप बॉडी पे ऐसे पुश करोगे, मान लिया आपने पुश किया तो आपने दीवार में ऐसे उंगली लगाई उसे पुश कर दिया, तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? पोलर वेक्टर। ठीक है, अब एक कभी कभी आता वैसे नहीं है, पूछा जाता है एरिस्टोटल फैलेसी। एक हर बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन एनसीईआरटी में शायद होगा, एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल TOTLE एरिस्टोटल फैलेसी FALLACY। ज़रा समझिएगा क्या लफड़ा क्या है। एरिस्टोटल फैलेसी लड़कों ने पूछा तो एक टीचर ने बताया कि फैलेसी उनका सर नेम था, जैसे AP वाजपेयी वैसे एरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है भ्रांति। ये 384 BC से 329 BC, 384 BC से 329 BC के बीच में ये इनका जन्मदिन है। ये उल्टा चलता है कि सीधा चलता है? बीसी उल्टा चलता है, सीधा सही लिखा है, उल्टा लिखा है? अरे किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखते हो ना कि 2002 से या 1905 से लेकर के 1985 तक, ऐसे लिखते हो ना? बिफोर क्राइस्ट। अरे भाई, जब कैलेंडर बनाया गया तो कैलेंडर का जो बेस ईयर माना गया वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे माना गया, उसको नंबर वन माना गया, वहाँ से वन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके पहले का जो भी समय था वो बीसी था, ये सही लिखा है ना? देखिए, एक एरिस्टोटल थे, उनका कहना था, ज़रा समझिएगा, उनका कहना था, ग्रीस के रहने वाले थे, उनका कहना था किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। एक फिलासफर थे, उन्होंने कहा कि वी नीड अ फोर्स। तो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, जनरली अरस्तु के नाम जाने जाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लोग बोलते हैं उनको एरिस्टोटल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये अरिस्टोटल ने कहा, ज़रा समझिएगा, ये फिलासफर थे, तो ये साइंटिस्ट ना कहिए, इनको फिलासफर कहिए, दार्शनिक जो होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलासफर कौन है जिनको माना जाता है? वो सोक्रेटिस थे, सुकरात थे। वो ने हमारे हिसाब से नहीं होता है, मतलब वो ये उनके स्टूडेंट रहे, ये उनके स्टूडेंट थे, तो वो चूंकि अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ये गलत है ये सही है, उस समय के लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो सोक्रेटिस को बंद कर दिया गया जेल में। ठीक है, बाद में उनको जहर दिया गया पीने के लिए। तो अरिस्टोटल साहब ने, चूँकि स्टूडेंट थे, ये बहुत उनसे प्रभावित थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आओ, तो आपको भगा देते हैं जेल से, धीरे से भाग, जल्द जल्द कहीं और देश में चले जाएंगे। और सब उन्होंने मैनेज कर लिया, पुलिस वुलिस सब मैनेज तो हर जगह होती है। तो सोक्रेटिस के कहा, नहीं, मैं जहर पीना पसंद करूँगा, मैं भागना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोक्रेटिस मर जाए, सोक्रेटिस को जिंदा रहना चाहिए। आज भी सोक्रेटिस के विचार को पूरा वर्ल्ड जानता है, और भाग जाते तो कोई जानते नहीं, चुपचाप कहीं छुपना पड़ता उनको। ठीक है, तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। अरिस्टोटल ने कहा किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स चाहिए। ये जिन लोगों से कहा होगा, जैसे किसी से आप कहिए कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी,
ये उस समय की बात बता रहे हैं, मतलब सन एक से पीछे 200-300 साल पहले, तो लोग क्या कहे होंगे, कहें तो कहें मतलब चाहिए, तो कहें मतलब चाहिए तो कहें तो कुछ नहीं, यानी कोई बात को रिएक्शन नहीं किया गया होगा। लेकिन इनके 2000 साल बाद मिस्टर गैलीलियो साहब आए, उन्होंने इनकी बात को कहा, ये जो इन्होंने कहा है इसका मतलब इनकी बात इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि कहीं ना कहीं लिखी गई होगी ना, ये 2000 साल तक जिंदा तो रह नहीं होंगे अपने जन्म के। इनके बाद गैलीलियो साहब ने कहा कि जो इन्होंने कहा है वो गलत कहा है, किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, चलती हुई बॉडी को कोई रोकता है। आप साइकिल चला दीजिए और चला करके उसको ब्रेक ऐसे पैडल रख लीजिए और चलते जाइए, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना होगा। कोई फोर्स है जो उसको रोकता है, कौन है, फ्रिक्शन रोकता है ना, तो उसकी वजह से हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये एरिस्टोटल फैलेसी है। तो इसी में नीचे लिखिए, आफ्टर 2000 ईयर्स ऑफ एरिस्टोटल गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीलाई ऑब्जर्व दैट उन्होंने क्या कहा था एरिस्टोटल ने, कि किसी बॉडी को चलने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। गैलीलियो का नहीं भैया, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे फोर्स को काउंटर करने के लिए। नहीं समझे, साइकिल हम चला रहे हैं तो साइकिल चलती रहनी चाहिए, लेकिन हमको लगातार पैडल मारना पड़ता है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से पैडल आप क्यों मार रहे हैं, उस साइकिल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए। गैलीलियो ने कहा नहीं भैया, जब हम साइकिल चलाते हैं तो कोई है जो उसको रोक रहा है साइकिल को, हमें उस फोर्स को काउंटर करने के लिए लगातार फोर्स लगाना पड़ता है। तो लिखिए, गैलीलियो गैलीलाई ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनी रहती है उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनी रहती है, नहीं बनी रहती ना, हाँ तो यही गड़बड़ है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, फिर तो काफ़ी देर तक तो चलेगी ही वो, लेकिन रुक जाएगी ना। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा, टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहाँ पर एग्जैक्ट बात की जाती है, ठीक है। जब आप कोई गाड़ी आप खरीदते हो, एवरेज 70 का लिखा होता है, तो आप कहेंगे 70 नहीं हो सकता है, 69.5 हो, वो एक अलग बात हुई जाकर के। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपको चलते रहना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यानी कि एरिस्टोटल की बात को काउंटर किया उन्होंने गैलीलियो ने। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो गैलीलियो का नहीं, चूँकि चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स को काउंटर करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी।
स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। भाई आप सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सेटेलाइट यहाँ से जाता है और वहाँ पर अंतरिक्ष में जा कर के वहाँ पर आप उसको एक ऑर्बिट में फिक्स कर देते हैं, वो लगातार मूव क्या करता है, ठीक है, वहाँ पर एयर है नहीं है, वहाँ फ्रिक्शन है नहीं है, तो उस सेटेलाइट को चलाता कौन है, वो अपने आप चलता है। उस सेटेलाइट को चलाने के लिए कोई मशीन नहीं लगी हुई है, नहीं मालूम, वो कोई मशीन नहीं चला रही है उसको, वो अपने आप घूमता रहता है। अगर आप चले जाओ और आपको ऐसे एक स्प्रिंग लगा दिया जाओ वहाँ जाके ऐसे हम आपको धक्का मार दें तो आप भी ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सेटेलाइट के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है, जो हमको इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्यूटर जो लगे हैं उनको चलाने के लिए बैटरी लगी होती है, वो एक अलग बात है। हाँ नहीं, वहाँ तक फ्यूल से ही गया, हाँ ऑर्बिट तक गया, ऑर्बिट तक धक्का मार के ले गए हम ना, इसके बाद हमने एक ऑर्बिट में छोड़ दिया उसको, उसकी एक स्पीड मेंटेन कर दी, एक स्पीड मेंटेन, एक अलग अलग स्पीड होती है कि भाई इतनी स्पीड करोगे तो ये ऑर्बिट आएगी, ये स्पीड में ये ऑर्बिट आएगी, ये स्पीड में तो ऐसी ऑर्बिट हो जाएगी, एक में तो ऐसी हो जाएगी ऑर्बिट, ऐसे में एक में करोगे तो भाग जाएगा बाहर, एक हर स्पीड का एक लिमिट होती है। अभी पढ़ाया जाएगा आपको कि इस स्पीड तक अगर आप स्पीड देते हैं तो वो अपने ऑर्बिट में बना रहेगा, तो वहाँ ले जा करके क्या करते हैं कि स्प्रिंग पीछे लगी होती है। भाई ये मान लिया सेटेलाइट है, हमने स्प्रिंग यहाँ लगा दी और इसको स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया, ठीक है, और दबा करके ऊपर से फ्यूल भर दिया, खूब कस के फ्यूल पुश भर भर के भर दिया, फ्यूल भरा है ना, तो स्प्रिंग कैसी है, दबी है ना, क्यों, क्योंकि पीछे से फ्यूल भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, फ्यूल को जलाया, कैसे जलाते हैं फ्यूल को, जैसे आप बैलून को फुलाइए और बैलून को फुला करके आप छोड़ दीजिए तो पीछे वो हवा निकलेगी और बैलून आगे की तरफ भागता है, ठीक है, तो ऐसे नीचे से फ्यूल निकलता है गैसेस के फॉर्म में और ये सेटेलाइट उसी फोर्स से आगे बढ़ता है। जब वहाँ, अच्छा ये हमने पहले से डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है कि हमारा कौन सा कहाँ भेजना है, कितनी दूर है, कितना फ्यूल लगेगा, ये उतना ही फ्यूल हम भरते हैं उसमें। जब वहाँ पहुँच गया तो इसका फ्यूल ख़त्म हो गया ना। अच्छा फ्यूल जब भरते हैं तो चैम्बर्स में भरते हैं, बीच में वो चैम्बर छूटते जाते हैं, मतलब मान लिया इसमें हमने 10 चैम्बर लगा रखे, एक चैम्बर में फ्यूल भर गया, वो चैम्बर इस सेटेलाइट को छोड़ दिया उसने, ये जो हमने इसमें वो लगा रखा है ना, जिसके इस माध्यम से इसको ले जा रहे हैं ना, रडार से, रडार कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसको ले जाते हैं उसको, जो जो इंजन उसको लेके जा रहा है, ठीक है। अब जब वहाँ पहुँचा तो इस सेटेलाइट के पीछे स्प्रिंग लगी थी ना, जैसे उसका फ्यूल ख़त्म हुआ स्प्रिंग एकदम से पीछे घूमेगी, तो पीछे घूमेगी तो आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगाएगी सेटेलाइट पे, तो सेटेलाइट को धक्का लगा और सेटेलाइट अपने आप जा करके उसी वेलोसिटी से जो हमने उसको दे रखा है स्प्रिंग के हिसाब से उसमें फिक्स हो गया, वो लगातार चलता रहेगा, उसको चलाने के लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर ये हम बात एरिस्टोटल की करें तो एरिस्टोटल फेल हो गए वहाँ पर। एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि उसको चलाए रखने के लिए लगातार आपको क्या चाहिए, फोर्स। गैलीलियो साहब ने कहा नहीं भैया, कोई बॉडी चलती है तो उसको एक फोर्स है जो रोकता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, उसकी वजह से हमको फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल आपका सामने है जो सेटेलाइट वगैरह है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। एरिस्टोटल फेलेसी कभी कभी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज एरिस्टोटल फेलेसी। देखिए लॉज ऑफ मोशन, तो पहले लॉ ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो इनर्शिया वर्ड आया है वो इनर्ट वर्ड से बना है, ये जो वर्ड बना हुआ है ये इनर्ट वर्ड है। इनर्ट का मतलब होता है जो कुछ काम ना करे। आपने अगर याद हो इनर्ट गैसेस पढ़ी होंगी, पढ़ाई गई हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती। नाम सुना है कभी इनर्ट गैसेस का, तो ये इनर्ट वर्ड से बना हुआ है। इनर्शिया क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी जैसी है वैसी रहना चाहती है, वो अपने में किसी भी प्रकार के चेंज को अपोज करती है। अब जरा गैलीलियो को लगाइए वहाँ पर, गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई चीज़ अपोज करे तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इनर्शिया का मतलब लिखिए जरा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक नया वर्ड आया हुआ है इनर्शिया। पहले लिखिए इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है, लॉज ना लिखिएगा, केवल इनर्शिया लिखिएगा, लॉज बाद में करना, पहले केवल इनर्शिया लिखिए। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी
इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन मीन्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। पहले इसका मतलब समझिएगा। हमने बताया इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ड प्रॉपर्टी, नहीं समझे, मतलब उस हर बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही है। ठीक है, सिद्ध कर सकता हूँ, मैं सिद्ध कर देता हूँ। आप छोटे थे, कैसे थे, नहीं सुंदर थे, काले थे, गोरे थे, मतलब नहीं है, अपना आराम से लेटे रहते थे, ठीक है, गंदगी वहीं करते थे, जिसको सौ भर गर्ज हो हमको साफ करे, और साफ करने के बाद जैसे लिटाया गया हम फिर गंदगी कर देते थे, फिर साफ करो, हम ऐसे थे ना। तो इनर्शिया क्या कहती है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं, नहीं हम मतलब तो गंदगी करना नहीं चाहते, यानी हम छोटे में काम नहीं करते थे, आज भी हम काम नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ना, कौन काम करना चाहता है। तो ये आप नहीं करना, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर काम करने की ललक होगी तो न्यूटन फेल। न्यूटन कह रहे थे कोई बॉडी जैसी थी वैसे ही रहना चाहती है, बचपन में वैसे ही थे तो ऐसे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, अब गंदगी तो मजबूरी में है कि साहब हमें करना पड़ेगा इसलिए जाना पड़ता है, आदमी ना जाए उसमें भी ना जाए, तो ये इनर्शिया कहलाती है। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ड प्रॉपर्टी। इनहेरेंट वर्ड समझ में आया, जैसे चीनी है, चीनी का बड़ा टुकड़ा लो या छोटा टुकड़ा लो, हर टुकड़ा मीठा होगा, तो मिठास उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उसकी इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनर्शिया, सॉरी इसी को कहते हैं इनहेरेंट वर्ड। तो यानी कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी में जो अपने में किए गए किसी भी प्रकार के चेंज या अपने में कोई चेंज नहीं करना चाहती हो, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अब लिखिए लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या लिखवा रहा हूँ मैं, सॉरी नहीं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखिए। इनर्शिया कितने प्रकार की होती है? नंबर वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अभी हम बाद में लिखाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अपनी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है, नंबर टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम लिखवा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में नंबर वन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर टू है इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर थ्री है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो मैंने इनर्शिया बताया क्या होता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अभी चूंकि वर्ड यूज़ किया जाएगा ना कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया मालूम होना चाहिए ना। अब लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो लिखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लिखिए अ बॉडी एट रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसके लॉ का एक नंबरिंग है स्टैंडर्ड, फर्स्ट लॉ बोले तो फर्स्ट लॉ, आगे पीछे नहीं हो सकता है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in uniform motion will keep moving
यूनिफॉर्म मोशन विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स, ये नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हो, मतलब उससे कुछ चलना चाहिए तो इसे नीचे कार्बन लगा लो तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखो, नीचे छपता रहेगा। अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जरा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, वो चीज जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर रही है, वो चीज जो रुकी ही बॉडी को चला रही है, वो चीज जो चलती ही बॉडी को रोक रही है, वो चीज जो किसी बॉडी को डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो कौन है? तो पहली बार न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में बताया। नहीं, आप कहेंगे हमको तो इसके पहले भी फोर्स लगाते थे हमारे बाबा दादा पुराने जमाने के, जो पत्थर उत्थर लेकर के चूहा हुआ मारते थे दौड़ा दौड़ा करके, नहीं वो उसमें रहते थे, नहीं कौन सा स्टोन एज कहते हैं उसको, हैं स्टोन एज नहीं कहते हैं, अब जो भी एज है वो पुराने जब जंगलों में रहते थे ना, वो सब पत्ते उत्ते बांध करके, उसमें फोर्स वो मालूम था उनको, ये नहीं मालूम था क्या चीज़ है, हमने उसका नाम दे दिया। भाई नेचर में जो भी हो रहा है वो हम अपने आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, हम केवल उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक नोट लिखिए, नोट, ये नोट आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लिखेंगे नहीं, ये अलग से लिखवाया जा रहा है। यानी कि पहले जो नियम था फर्स्ट लॉ, उन्होंने पहली बार फोर्स की डेफिनेशन दी कि फोर्स क्या होता है, कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के जो है मोशन को चेंज कर सकता है। तो लिखिए, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, या क्वालिटी ऑफ फोर्स कह सकते हैं, फोर्स की क्वालिटी बताया। फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट इज कर करके इसकी डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर। अब आप कहेंगे फोर्स तो आप बता चुके हैं, ठीक है वही हम दोबारा लिखवा रहे हैं, लिखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो आप कहेंगे फोर्स के बारे में बताया था उन्होंने, कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के पोजीशन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, यानी रेस्ट को चेंज कर सकता है मोशन में, मोशन को चेंज कर सकता है रेस्ट में, और डायरेक्शन भी बॉडी की चेंज कर सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें लिखवाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए ध्यान से। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल बुक में सब लिखे हुए, थोड़े बहुत आपको बताए दे रहे हैं। जैसे कहें कार या बस है वो चल रही है, और एकदम से ब्रेक लगाने पर हम कार में कोई बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो हम भी तो ब्रेक लगी है, हम कहीं आगे झुक गए? सीट बेल्ट लगाओगे तो आगे नहीं झुकोगे, नहीं थोड़ा जाएंगे तो उस थोड़े को कंसीडर नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, जिसमें कार चल रही होती है हमारी बॉडी भी चल रही होती है, कार के ब्रेक लगाने पर हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कार के संपर्क में है, विच इज द कॉन्टेक्ट ऑफ कार, वो तो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट बॉडी हमारी चलती रहती है, इसीलिए हम आगे झुक जाते हैं। अब बताइए कार चल रही है, कार रुक गई, इसमें इनर्शिया कौन सी लगेगी? इनर्शिया ऑफ मोशन की लगेगी या इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगी? कौन सी इनर्शिया लगाएं?
जो बॉडी की पहले पोजीशन थी वो मानी जाएगी। जैसे कोई कार रुकी हुई है, कार के अचानक चल देने से उसमें बैठा व्यक्ति पीछे झुक जाता है। क्यों? जब कार रुकी हुई है तो हम कार सहित पूरी बॉडी हमारी कैसी है? रेस्ट में है। कार जब चल देती है तो हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कार के संपर्क में, वो तो कार के साथ चल देता है, रेस्ट बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है। यहाँ इनर्शिया कौन सा लगेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लगेगा, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि एक ग्लास ले लिए, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दीजिएगा, कार्ड के ऊपर कॉइन रख दीजिएगा, और कार्ड को एकदम से, भाई साहब ध्यान से, जैसे कोई पिक्चर होती है डायलॉग होता है, जानी ऐसा बोला जाता है तो ध्यान से सुना जाता है, और कार्ड को एकदम से आपने हिट किया तो देखिए कार्ड तो चला जाता है, कॉइन यहीं पर गिर जाता है। क्यों? कार्ड और कॉइन दोनों रखे हुए हैं, आपने दोनों रेस्ट में हैं, आपने फोर्स किस पर लगाया? कार्ड पे। तो कार्ड तो एकदम से मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का मोशन में नहीं आ पाया। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के सब नहीं आता है, तो वहीं पर सिक्का क्या होगा? गिर जाएगा। आप कहेंगे कभी कभी तो नहीं गिरता, सिक्का कार्ड के साथ बाहर गिर जाता है, हो सकता है सिक्के और कार्ड के बीच में फ्रिक्शन होता है, इस वजह से वो ना गिरे, अलग की बात है, अदरवाइज गिर जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे पेड़ है, पेड़ में फल लगे हैं तो पेड़ की ब्रांच को हिला दीजिए तो फल गिर जाते हैं। क्यों? पेड़ और फल कहें काहे में, रस्ट में है, जब हमने उसकी ब्रांच को हिलाया तो ब्रांच तो मोशन में आ गई लेकिन फल वहीं पर रुके हुए हैं, ठीक है। अब कोई फल यहाँ लटका है, ब्रांच ऐसे आ गई, अब फल वहीं लटका हुआ है, फिर देख रहा है अरे मेरी ब्रांच कहाँ गई, तो ब्रांच तो अट गई, अब क्या करें? तो अल्टीमेटली उसको नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से देखा होगा घर में कारपेट वगैरह जिनकी यहाँ होती है, या फुटरेस होता है, या वो क्या कहते हैं, वो जिसको पोछना कहते हैं, वो पैर पोछने वाला क्या कहते हैं उसको, पावदान। तो उसको साफ करने का तरीका क्या होता है? एक तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, या थोड़ा स्टाइलिस्ट उसको टांग दीजिए और उसमें बहुत तेज़ी से डंडा मारिए, पावदान टंगा हुआ है तो उस पावदान, जिसको फुटरेस कहते हैं, जिसको कि आप स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहेंगे, कारपेट हैं, कारपेट। अभी कारपेट से याद आया कि एक श्रीमान जी दुबई गए थे, कार्पेट पैर नहीं रखे जाते हैं, यानी गंदगी आ सकती है ना उसमें, तो उसकी गंदगी साफ करने का वही तरीका है। तो जमीन को कैसे साफ करोगे? तो जमीन को कैसे साफ करोगे? जमीन को आप टाइल्स पे गंदगी आएगी तो टाइल्स को ऐसे करके ऐसे ऐसे रगड़ेंगे नहीं ना, तो हम कारपेट को टांग देंगे और कारपेट को हम रगड़ेंगे नहीं, ऐसे डंडा मारेंगे। तो डंडा मारेंगे तो कारपेट और धूल रेस्ट में थी, डंडा मारा तो कारपेट मोशन में आ गई, धूल के कुछ कण जो कारपेट के साथ अटैच नहीं हुए अलग हो गए, तो जब अब कारपेट से हट जाओगे तो कहाँ गिरोगे? नीचे की ओर। कारपेट से नाम याद है, एक दुबई एक लोग गए थे, अब वो वहाँ होटल में कारपेट बिछी हुई थी, तो वो बाथरूम से नीचे बाहर निकले तो कारपेट गीली हो गई, इंडिया वाले आदमी बाहर पहुँच लेंगे, तो फिर 15,000 रुपया कारपेट गंदी कर दी आपने। वो तो इंडिया से बहुत मॉब गई थी उनके साथ में, बहुत लोग गए थे, फिर वहाँ पर काफ़ी बहस करनी पड़ी उनको, सब लोगों को, अब ये कैसे हो सकता है, अरे कारपेट बिछाओगे बाथरूम के बाहर तो गीली हो जाएगी। तो खैर वो यहाँ पर इनर्शिया नहीं लग रही है, हमें कारपेट के नाम से हमें याद आया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको अपने आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कार ऐसे मान लो घूम रही है एकदम से, हम ऐसे बैठे हुए हैं, तो अगर कार मान लो लेफ्ट में घूम जाती तो हम राइट में घूम जाते हैं। क्यों? हम सीधे चल रहे होते हैं ना, तो कार एकदम से लेफ्ट में घूम गई लेकिन हमारी बॉडी किधर चल रही है? सीधे। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा कि आप उसके अपोजिट साइड में गिर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो समझ में कुछ बात आ गई होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, पहले उस क्वांटिटी का लॉजिक समझिएगा फिर उस क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम खड़े हुए थे, हमारे बगल में हमारा एक मित्र जो बहुत मोटा था खड़ा हुआ था, और धीरे से उसने हमको ऐसे धक्का मारा, हम खड़ा के गिर गए, ठीक है। फिर भी हमको गुस्सा आई, हमने भी ऐसे धक्का मारा, फिर हम गिर गए, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो हमने दिमाग लगाया, हम थोड़ा दूर गए और दूर से दौड़ करके आए, उसको धक्का मार दिया, वो गिर गया। कुछ बात पकड़ में आई, उसके पास मास ज़्यादा था, कम वेलोसिटी थी, तब भी उसने एक इफेक्ट क्रिएट किया हमारे ऊपर, फोर्स लगा दिया, और हमारे पास मास कम था तो हम दौड़ के धक्का मार दिए,
तो हमने क्या किया, आपने वेलोसिटी बढ़ा दी। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा करते हैं कि मास और वेलोसिटी में एक रिलेशन डेवलप कर देते हैं, उसको कहा गया लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट लिखिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी के मास और लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी कई प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी चल रही है उसको क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जहाँ पर मास लिखा है ना वहाँ ब्रैकेट में m बना दो, और जहाँ वेलोसिटी लिखी है वहाँ ब्रैकेट में v बना दो। फ़ायदा क्या होगा, आपको अलग से m और v के बारे में लिखना नहीं पड़ेगा। इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड गिवन बाई p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो p भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू m इंटू v। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका यूनिट निकालो तो निकालिए यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब आगे से याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपके पास आए उसका यूनिट के साथ साथ डायमेंशन जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि अभी डायमेंशन में हमने बहुत सारे फार्मूले नहीं पढ़े हैं। तो अगर हम कहें इसकी डायमेंशन निकालो तो क्या डायमेंशन आएगी, इसकी हो जाएगी एम, इसकी एल, और नीचे टी है, ऊपर जाएगा क्या बनेगा एम एल टी इनवर्स वन। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन होता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, यूनिट और डायमेंशन, चूँकि मोमेंटम संबंधित है। देखिए अगर मैं मान लूँ कि अगर m1 और m2 वेलोसिटी की दो, सॉरी मासेस की दो बॉडी हैं, समझिए ध्यान से, और उसकी वेलोसिटी है v1 और v2, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो अगर हम दोनों के मोमेंटम निकालें तो p1 इज इक्वल टू m1 v1 होगा और p2 इज इक्वल टू m2 v2 होगा, सही कह रहा हूँ मैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसमें एक रिलेशन निकालना चाहते हैं मास वेलोसिटी और मोमेंटम में। तो अगर हम यहाँ से p1 अपान p2 निकाल लें तो क्या होगा, m1 v1 अपान m2 v2, सही कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर वन। अब देखिए अगर मैं ये कह दूँ, फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस अगर मैं कह दूँ कि दोनों बॉडी का जो मास है ना वो सेम है, और उसको हमने क्या मान लिया m, से से माने लेट माना हमने, दोनों का मास हमने क्या माना m, तो p1 अपान p2 क्या हो जाएगा। इधर देखिए जरा ध्यान से, जब आप इसको m मान लोगे इसको भी m मान लोगे तो m m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा v1 अपान v2। क्या दिख रहा है कि अगर हम v1 इज ग्रेटर देन v2 हो तो क्या कह सकते हो p1 इज ग्रेटर देन p2। क्या आपने कहा कि अगर दो बॉडी सेम मास की हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, नहीं समझे। जैसे मान लिया दो बॉडी सेम मास की हैं और दो चल रही हैं, दो कार हैं सेम मास की, दोनों रोड पे आके टकरा जाती हैं, ठीक है, तो कौन किस पर ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, जिसके पास ज़्यादा मोमेंटम था, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। सेकेंड केस ये है कि अगर हम मान लें कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, v1 इज इक्वल टू v2, इसको v मान लिया से, तो p1 अपान p2 अगर निकालेंगे तो आएगा m1 अपान m2, नहीं आएगा, यानी कि v1 v2 जब सेम कर दोगे तो दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी ना। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 इम्प्लाइज p1 इज ग्रेटर देन p2, मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब मान लिया दो बॉडी हैं सेम वेलोसिटी चल रही हैं, एक कार एक ट्रक, और दोनों टक्कर हो जाता है, तो कौन ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है ट्रक का तो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कैसा लगा ये, ठीक है ना, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थ्योरेटिकल चूँकि कंसेप्ट ज़्यादा है, यानी पहले लॉ ने आपको बताया फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ बताएगा फोर्स कितना होता है, वैल्यू उसकी क्या होती है।
ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक।